एक बजरा तोके फोन तू कईलू प्रेमी के अपना तू नहर पर बोलैलू अरे गलती काहे कईलू तुम आंधी हलू दूसरा के पेट में चाकू मारा आधी हलू दूसरा के पेट में चाकू मारा आधी हलू। बहुत बहुत बात बोल रही थी लड़की, कभी क्या लेकिन हाँ एक ही बात बोल रही थी कि लोग फोन कैले हाँ तो हम नहर पर चल गई नहीं। अच्छा। यही बात बोलत रह तो हम सोचनी कि वो गाना लिखले हन नेपाल के एगो राइटर रहन अमेरिका जी वे गाना लिखलन तो सोचनी कि चल तनी गावे। अच्छा। आलोक करिश्मा की तरह जितने भी प्यार करने वाला होंगे उसी प्रकार पर जितने भी वैसे काम करेंगे हम तो गाना गाते रहेंगे। ये बताइए कि आप वायरल हो जाएंगे, करिश्मा का आलोक रूपम का नाम लेकर आप वायरल हो गए हैं, ठीक है तो अब अश्लील गाना गाइएगा। जैसा मार्केट आएगा वैसा हम गाना गाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अभी हम रामगढ़ में है और यहाँ पे एक स्टूडियो है और इस स्टूडियो में एक कलाकार सिंगर हैं और गाना गा दिए हैं करिश्मा आलोक और रूपम के बारे में, जो काफ़ी वायरल खबर चल रहा है और इसी को लेकर सिंगर के माइंड में कैसे घुस गया कि हम इस पे गाना गा दें और हम हूँ वायरल हो जाएं, तो उस सिंगर से मिलाने का प्रयास करेंगे। दीपेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो है रामगढ़वा में, जो यहाँ से एक सिंगर गाना गाए हैं करिश्मा आलोक रूपम का जो स्टोरी है उस पे ये गाना गाए हैं, तो चलिए उस सिंगर से मैं मिलाने का प्रयास करते हैं। का नाम हुआ आपका? सबसे पहले जितने भी भाई देख रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम है। हम भोजपुरी गायक भोला निदर्दी, एक आलोक नाम का लड़का था और करिश्मा नाम का लड़की, उनसे प्यार करती थी और वहाँ पे गई नहर पे, इसी के कारण से वो रूपम का जान चल गया है, उसी पर हम ये गाना बनाए हैं और अच्छा, गाना उस पे गाना आप निकाले हैं, ठीक है। पहले ये बताइए कि हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं इस स्टूडियो का क्या नाम है, इस लोकेशन बता दीजिए। दीपेश स्टूडियो RMG चैनल का नाम है, इसी चैनल से गाना छूटा हुआ है और इसी चैनल से हर गाना भी छूटेगा। आज जितने भी भाई देख रहे हैं शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार बढ़ाएं और जो भी गलती गाए होंगे तो भी कमेंट में लिखें, सही गाए होंगे वो भी लिखें। गाना यही है जी, माइकों में गा दीजिए भैया। एक बजरा तोके फोन तू कईलू प्रेमी के अपना तू नहर पर बोलैलू अरे गलती काहे कईलू तुम आंधी हलू दूसरा के पेट में चाकू मारा आधी हलू दूसरा के पेट में चाकू मारा आधी हलू। फर्स्ट आप ऐसा सिंगर हैं कि आप गाना गाए हैं और आप काफ़ी सुर्खियों में नजर आ रहे हैं, क्या कहिएगा और लोग? रात में सोए थे तो देख रहे थे फेसबुक पर, तो बहुत बहुत बात बोल रही थी लड़की, कभी क्या लेकिन हाँ एक ही बात बोल रही थी कि लोग फोन कैले हैं तो हम नहर पर चल गई नहीं। अच्छा। यही बात बोलत रह तो हम सोचनी कि वो गाना लिखले हन नेपाल के एगो राइटर रहन अमेरिका जी वे गाना लिखलन तो सोचने कि चल तनी गावे। अच्छा। ये आके यहाँ DJ दीपेश RMG कंपनी से ही गाना गईले बानी रामगढ़वा में आके। अच्छा। अब कुछ भैया लोग मीडिया ला सुनल कि गाना तो आइल, अब दो दिन से ये सब के मैटर उठल बा। अच्छा। इसमें करिश्मा का नाम कहीं है इस गाना में? हाँ, गाना में करिश्मा का तो नाम है, आलोक करिश्मा का तो नाम है, रूपम की भी नाम है। अच्छा, स्पेशल उन्हीं के ऊपर आप गाना गाए? हाँ, उन्हीं के ऊपर हम ये गाना गाए। अच्छा, आगे गाना आता रहेगा कि बस हो गया? आता रहेगा हर नहीं, करिश्मा के आलोक के ऊपर, आलोक करिश्मा के ऊपर तो गाना, फिर कल भी ये गाना चढ़ेगा स्टूडियो से। आलोक करिश्मा की तरह जितने भी प्यार करने वाला होंगे उसी प्रकार पर जितने भी वैसे काम करेंगे हम तो गाना गाते रहेंगे। खासकर गार्जियन को क्या संदेश दीजिएगा गार्जियन के माध्यम से? ये गाना के माध्यम से हम सुना रहे हैं अगला दृश्य जी, सुनाइए। वो लड़की का जो शादी के दिन उतरा रहा था उस पर क्या हुआ जी? जी सुनाइए। शादी का दिन उतराइली रहे तो हर हो बाप माई के इज्जत दिहलु माटी में मिलाई हो गाँव के रहे भाई हो देखलक तह कैलू न जाई जो प्यार कैले रहलु आलोक से तो इका कैलू दूसरा के पेट में चाकू मारा वादी हलू दूसरा के पिट में चाकू मारा वादी हलू। बताइए कि प्यार में खाली लड़कियों मराता है, लड़कियां कहे नहीं मराती है? लड़कियां के उसको लड़कियां का है, लड़कियां जिसको छोड़ेगी तो कल उसको पटाएगी। अच्छा।
अगर गलती से अगर एक फोन किसी लड़का के मोबाइल पर चल जाते हैं तो लड़का सोता है जब हम फोन करें। लड़की का एक बेर अगर किसी का मोबाइल पर फोन चल जाता है तो लड़का 50 बेर लड़की पास फोन करता है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि फेसबुक या प्यार बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है और एगो गोपालगंज जिला में एगो पिंकी नाम की लड़की है, दिव्यांग है, दोनों पैर से माजूर है, लेकिन फिर भी वो प्यार और शादी उदी कर लिया, उसके बारे में क्या कहिएगा? फेसबुक या प्यार होता है या शादी हुआ और 2-3 महीने के बाद फिर डिवोर्स होता है, क्या कहिएगा? फेसबुक या प्यार ढेर दिन नहीं चलता है। तो आजकल तो ऐसा है कि किसी का फोटो किसी पर लगा के प्यार हो जा रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि लड़कियां और लड़के जितने भी प्यार करते हैं चुरा लुका कर अपने पेरेंट्स से, ठीक है, तो उनके बारे में क्या कहिएगा? गार्जियन पे भरोसा नहीं रहता है क्या? प्यार शादी होगी, प्यार करना तो एक अच्छी बात है, अच्छी बात, लेकिन गार्जियन जो है ना वो अपने कार जाल में उझरा जाते हैं काम करने के लिए। अगर एक बाप अगर 4-5 बेटी होगी तो काम नहीं करेंगे तो फिर खाएगी कैसे? लेकिन वो बेटी के सोचना चाहिए कि अगर हम कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए कि गाँव समाज की मेरा इज्जत जाए, मेरा बाप माँ बाप का इज्जत जाए। तो इज्जत गया कि नहीं गया? वो तो पूरा गांव का इज्जत चल गया है, गांव का इज्जत चल गया, बिहार का इज्जत चल गया, भारत का। ससुरत चाइना वाला सब देखता होगा ना तो कहता होगा ले ये बिहारिया सब कहा है, इसी में अजुराई रहता है, प्यारे मोहब्बत में खाली होते हैं मर्डर इधर उधर के इधर में। अरे टेक्नोलॉजी है भाई, पढ़ाई कीजिए, अच्छे अच्छे काम में लागिए आप लोग, काहे प्यार मोहब्बत के? बाप मातरी पे भरोसा नहीं रहता है, क्या कहिएगा? बताइए कुछ और बताइए। प्रेम करने वाले लोग आजकल बहुत ज्यादा इधर उधर चल रहे हैं, प्यार करने वाला से नहीं बोलेंगे कि देख कर प्यार। अच्छा, आप इतना ही स्मार्ट हैं, अभी हमको पता चला कि आप इतने स्मार्ट हैं, आप रखे हैं कि नहीं? प्यार तो हर कोई करता है। आप करते हैं? नहीं करते हैं। अच्छा, तो रखे हैं कि नहीं गर्लफ्रेंड? नहीं, तो हम तो शादी हो गया है। शादी हो गया है, ये देखिए शादी हो गया है, हैं? तो शादी के बाद भी बहुत लोग इधर उधर चल जा रहा है? नहीं, वो तो गलत बात है, जो जाता है वो तो गलत करता है। अच्छा, होता है कि नहीं ऐसा बताइए? होता है, शादी भी हो जाता है प्यार किसी से तो उसी से होता है, बीवी से और हस्बैंड से नहीं पड़ता है तब हो जाता है। अच्छा, बीवी किसी और के साथ में, शादी लव मैरिज किए थे कि पेरेंट्स के हिसाब से? पेरेंट के हिसाब से किए। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा बात है। ये सिंगर हैं और इनके गाने को आप लोगों ने सुना जो अभी वायरल खबर चल रहा है, करिश्मा आलोक रूपम, और इसी पे भाई साहब ने गाना गा दिया है और इनके गाना को काफ़ी अच्छा माना जाएगा क्योंकि नज़रिया को देखते हुए, समय को देखते हुए सिंगर भी अपडेट रहते हैं। बताइए, ढोड़ी पर गाना वायरल चलता है, मार्केट में बज रहा है धामड़ा धाम एकदम, आप कहे नहीं इसमें, कहे नहीं घुस रहा है ढोड़िया में, है? हम गलत नहीं सोचते हैं गाने के लिए, गलत सोचे थे, एक दो बार गाना गाए थे लेकिन घर के लोग कुछ हमको बहुत ज्यादा बोल दिया, बोले कि सब छोड़ो काम धाम करो, उस सब में कुछ नहीं है, लोग गाली फाली दे रहा है, इसलिए छोड़ दिया। अश्लील के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये तो गलत है, चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? अश्लील गाना पहले कितना सुंदर आ रहा था, पर्दा वाला, अब तो बिना पर्दा वाला आ रहा है, बिना पर्दा वाला आ रहा है, कहीं भी बड़का बड़का डीजे में बज रहा है एकदम, ढोड़ी वाला तो हई वाला तो सारा सिंगरवा सब ढोड़िये पर गा रहा है भैया, है? क्या तो हो गया है सिंगर वालों को? सब कोई लोग सुन रहे तो हम क्या करें, अब हम भी सोचे नहीं थे, हम गा दिए एक सेड सॉन्ग गाए हैं। अच्छा, ये लोग और करिश्मा के प्रेम सॉन्ग गा दिए। क्या ख्याल है आगे, अगर ये मुद्दा जो खत्म हो जाता है, करिश्मा आलोक का मुद्दा जैसे ही खत्म हो जाएगा तो आप अश्लील गाना गाइएगा कि नहीं गाना गाइएगा, किस प्रकार का गाना गाइएगा, भजन गीत कथी गाइएगा, बताइए? जैसा मार्केट में बजेगा वैसा गाना गाएंगे। जैसा माने अगर अश्लील बजेगा तो अश्लील गाइएगा? हाँ गाएंगे, गाएंगे अश्लील। वही देखिए भाई, हम इनको अच्छा समझ रहे थे, वही देखिए अश्लील गाने के लिए तैयार यहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है इनका गाना भी लिखा गया होगा। भैया गाना रेडी है क्या? रेडी नहीं है, लेकिन जैसा आएगा सीधी ऐसा दिखा जाएगा। नहीं, अश्लील नहीं गाना है आपको, जिस मैटर में बिहार में, देखिए उड़ीसा में घटना हुआ था। हाँ हुआ था, घटना हुआ था, उस पे आपको गाना चाहिए था। हम घर पे नहीं थे, दूसरे जगह काम करने चल गए थे, आए थे तो वो कुछ लोग गा दिए था। उड़ीसा पर खत्म हो गया, जैसे करिश्मा आ गया, करिश्मा खत्म हो गया तो खगड़िया वाला मैटर आ गया, ये तो हमेशा चलते रहेगा, तो आप कहीं आपका जो ख्याल है इसी में लगा रहना चाहिए? अब यही सब मैटर को ज्यादा आप गाएंगे, हो जाएंगे यही सब मैटर है। अश्लील गाना गाना है? नहीं है, नहीं अश्लील मैटर, तो बोल रहे हैं कि अश्लील गाएंगे। जैसे ये बताइए कि आप वायरल हो जाएंगे, करिश्मा का आलोक रूपम का नाम लेकर आप वायरल हो गए हैं, ठीक है, तो अब अश्लील गाना गाइएगा? जैसा मार्केट आएगा वैसा हम गाना गाएंगे। क्यों गाइएगा? जैसा मार्केट का मतलब, इसका मतलब ढोड़ी उड़ी पर वायरल चल रहा है तो आप भी गाइएगा? तो जाइए ना चंदन चंचल के पास, जाइए पवन सिंह जो गोहे ढोड़ी में पियो ढार लेंगे। चंदन चंचल के पास थोड़े बैठे हैं, आपके पास बैठे हैं, आपसे जवाब ले रहे हैं, बताइए आप। तो आप मेरे पास आए हैं तो हम जो गाना गाए वो सुना रहे हैं, अगला गाएंगे तो उससे सवाल पूछेंगे हम।
आप अपने बताइए ना, आपका ख्याल क्या है? अश्लील गाइएगा कि देशभक्ति गाइएगा कि भजन कीर्तन वाला गाइएगा, बताइए। गाना तो सभी गाना गाया जाएगा, गाएंगे जैसा गाना आएगा। अच्छा, आपके हिसाब से जब अश्लील गाना आप गाइएगा तो आपके गार्जियन लोग भी सुनेगा, घर के लोग भी सुनेगा, है सुनेगा, तो क्या कहेगा कि मेरा बेटा नाम रोशन कर रहा है अश्लील गाना गा के? नहीं, तो क्या ख्याल है, अश्लील पर रोक होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, अश्लील गाना पर रोक होना चाहिए, बहुत ज्यादा फैल गया। आप अश्लील गाना गा दीजिएगा तो फिर कहिएगा रोक लगाया जाए, है गा दीजिएगा तब, उससे पहले आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कीजिएगा? कंट्रोल करेंगे करेंगे, तो देशभक्ति चलाइए, जो भी मुद्दा बिहार में हो रहा है उसको चलाइए, उस पर अपडेट रहिए, बेरोजगार शिक्षा भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग गाना गाइए ना महाराज, क्या दिक्कत है? समाज में लोग ये सब सुनेगा, आप लोग चलाइएगा तो, खाली अश्लील परोस रहे हैं लगातार धड़ाधड़, तो अश्लील ना सुनेगा लोग। तो चलिए, इन भाई साहब का गाना आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा, और फिर इन भाई साहब से हम मिलेंगे। बता रहे कि गाना मेरा और लिखा कर रखा गया है, तो जैसे ही गाना गाएंगे फिर आएंगे और फिर इनसे मुलाकात करेंगे और फिर इनके राय को प्रयास को दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।